चलिए हम लोग आज क्लास टू फिजिक्स दसवां क्लास के लाइट के न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग कुछ हिसाब बना चुके थे। आज देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु एवं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी 72 सेंटीमीटर है। पहले देखिए कि दिया हुआ क्या चीज दिया है। करा उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु एवं दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, तो वस्तु के मतलब होता है माइनस यू वस्तु दूरी एवं बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी। प्रतिबिंब के मतलब भी बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 72। समीकरण एक मान लीजिए। फिर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा। प्रतिबिंब का आकार, आकार का मतलब होता है लंबाई, वस्तु के आकार का मान लीजिए, माना कि वस्तु का आकार आकार को लंबाई भी बोल सकते हैं। वस्तु के आकार को h1 से सूचित करते हैं 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। वस्तु के आकार 1 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा, इसका आधा। प्रतिबिंब का आकार h2 बराबर इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर। आधा है दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु दूरी निकाले, फोकस दूरी f बराबर हुआ और वस्तु दूरी u बराबर इसको निकाले। चलिए निकालिए कैसे निकलेगा। देखिए हम लोग जानते हैं आवर्धन, आवर्धन सूत्र क्या होता है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, m बराबर होता है माइनस वी बाई यू या m बराबर होता है h2/h1, दोनों होता है। पहले तो ऐसे लिख ले रहे हैं m बराबर माइनस वी बाई यू और m बराबर h2/h1। इसमें भी m है, इसमें भी m है, ये दोनों m बच गए, इतना बराबर इतना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वी बटा यू बराबर h2/h1, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइनस वी बाई यू, इसको लिख लीजिए माइनस वी बाई यू। h2 कितना दिया हुआ है, h2 x/2, तो x/2। और h1 कितना दिया हुआ है, x, तो x लिख दीजिए। यहाँ सिंपल कर जाएगा x से x खत्म, यानी कि वी बराबर कितना आ जाएगा, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए सबसे अच्छा, इससे इसमें गुना करेंगे तो -2 भी, इससे इसमें गुना करेंगे तो यानी कि वी बराबर -u/2। अब देखिए यहाँ पूछा फोकस दूरी और वस्तु दूरी, वस्तु दूरी निकल जाएगा इससे, समीकरण एक में मान रख दीजिए भी का, तो माइनस यू और भी के जगह -u/2, तो -u/2 बराबर कितना 72। दोनों के लघुत्तम निकाल लीजिए, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, एक से 2 में भाग देंगे क्या मर्त में, 2 मर्त में, 2 से यू में गुना करेंगे तो -2u, माइनस 2 से 2 में भाग देंगे एक मर्त में, एक से यू में गुना करेंगे तो यू ही होगा बराबर 72। -2 और -1 कितना आ जाएगा -3u/2 बराबर 72 को काट दीजिए 3 से, 3 × 6 बचेगा 1 × 2 = 12, 3 × 6 = 12, यानी कि u बराबर कितना हो गया 24 × कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु दूरी निकल गया। पूछा हुआ था दर्पण फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु दूरी, ये तो निकल गया फोकस दूरी निकलना। चलिए फोकस दूरी कैसे निकलेगा,
सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब दूरी निकाल रहे हैं, तो प्रतिबिंब दूरी इसमें मान पुट करेंगे तो आ जाएगा भी बराबर कितना है माइनस यू बाई टू, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, यू के वैल्यू कितना निकला है माइनस 48 और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और इसका वैल्यू कितना है माइनस 48। अब आई तो भी बराबर माइनस माइनस प्लस 48 बाई दो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु दूरी हो गया माइनस 48 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी 24 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है फोकस दूरी क्या होगा, देखिए फोकस दूरी दर्पण सूत्र से निकाल दीजिए, बता दें दर्पण सूत्र क्या होता है, वन बाई भी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई भी के वैल्यू कितना आया 24, वन बाई 24 प्लस यू के वैल्यू कितना है 48, लिख दीजिए वन बाई माइनस 48 बराबर कितना वन बाई, दोनों के लघुत्तम निकालेंगे कितना हो जाएगा 24 और 48 के लघुत्तम 48, 24 दूना 48 दो इकाई दो, ये माइनस यहाँ पर चलेगा माइनस 48 इकाई 48, एक से एक में गुना करेंगे एक बराबर वन बाई दो में से एक दिया कितना होगा एक बाई 48 बराबर वन बाई एक से एक खत्म, यानी कि एफ के वैल्यू कितना आ गया 48 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना आ गया 48। हो गया, मिटा दे रहे हैं, समझ गया। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो देखिए, करा उत्तल दर्पण में बने उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का विस्तार विस्तार का मतलब सिंपल आवर्धन होता है। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का विस्तार एक वाई एक्स है, तो सिद्ध करें कि वस्तु दर्पण से x माइनस वन इंटू एफ दूरी पर है। चलिए पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन समझिए, करा उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का विस्तार, विस्तार का मतलब होता है आवर्धन, आवर्धन कितना दिया हुआ है वन बाई एक्स, यानी कि एम बराबर दिया हुआ है वन बाई एक्स, पहले दिया हुआ ऐसे लिख लीजिए दिया है एम बराबर वन बाई एक्स। करा प्रूफ सिद्ध करे कि वस्तु दर्पण से एक्स माइनस वन इंटू एफ दूरी पर है, इतना दूरी पर। अब देखिए हम लोग जानते हैं m बराबर होता है माइनस भी बाई, एम के वैल्यू कितना दिया वन बाई एक्स,
बराबर माइनस भी वाई। बस सिद्ध करें कि वस्तु दर्पण यानी कि वस्तु दूरी निकालना है, तो u के वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ से u बराबर माइनस भी वाई एक्स इतना हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से वन बाई भी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। भी के जगह कितना, यू के जगह कितना लिख सकते हैं माइनस भी बाई एक्स, यानी कि भी आ जाएगा। हम लोग के निकालना है क्या, यू निकालना है, तो यू के जगह पुट यानी कि इसका भी के वैल्यू निकाल लीजिए, तो भी गुना करेंगे तो माइनस भी एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा यू, यानी कि भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस यू बाई एक्स, कितना हो जाएगा भी के जगह पुट कर दीजिए वन बाई भी के जगह कितना माइनस यू बाई एक्स, इसके जगह लिख दीजिए माइनस यू बाई एक्स प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन, यानी कि नीचे में दो है ऊपर कितना है एक, बट्टा के बट्टा कहाँ जाता है ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स वाई यू प्लस वन वाई यू बराबर वन वाई। ध्यान से सॉल्व कीजिए, मिटा दे इसको, दोनों के लघुत्तम कितना हो जाएगा यू, यू से यू में भाग देंगे कितने मरतम में एक मरतम में, एक से एक्स में गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स, फिर u से u में भाग देंगे एक मरतम में एक से एक में गुना करेंगे कितना आ जाएगा वन बराबर वन बाई। अब इससे इसमें गुना कर दे रहे हैं u बराबर, इससे इसमें गुना करेंगे तो f इंटू माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ देखिए पूछा हुआ है x माइनस वन इंटू एफ, एक्स माइनस वन माइनस कॉमन ले लीजिए, u बराबर कितना हो जाएगा f, इसमें से माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस कॉमन है प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस। अब देखिए फिर भी आंसर नहीं आया, एक्स माइनस वन इंटू कितना है एफ, हम लोग जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो वस्तु दूरी ऋणात्मक या तो पहले से ही ऋण था और एक ऋण आया, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि u बराबर हो गया f इंटू एक्स माइनस वन, यही प्रूफ करना था, हो गया। उतार लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन तीन क्या है, करा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने लेंस से लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊंची ऊंची एक वस्तु रखी जाती है, रखी जाती है प्रतिबिंब दूरी,
प्रतिबिंब दूरी एवं आवर्धन ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन में देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब दूरी एवं आवर्धन ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कि दिया हुआ है क्या चीज। देखिए दिया है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी कि फोकस दूरी कितना दिया है, एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है प्लस होगा प्लस 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के सामने लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई, यानी कि U बराबर कितना हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी जाती है। अच्छा इसका कोई ज़रूरी नहीं है, एक वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब दूरी निकालना है V बराबर वाट एवं आवर्धन निकालना है M बराबर वाट। निकालिए, यहाँ दर्पण नहीं, यहाँ लेंस है, लेंस सूत्र लगाएंगे। हम लोग जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। इस पर मान पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर v के वैल्यू। देखिए तो 1/v u के वैल्यू कितना दिया है, माइनस 20 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस, तो 1/20 बराबर एफ का वैल्यू कितना दिया 12, तो 1/12 बस ये जोड़ है होने जाएगा, तो घटाओ 1/ अच्छा लौका रहा नीचा 1/12 माइनस 1/20 बट्टा पर के घटाओ कीजिए 1/v बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के लघुत्तम 12 20 के लघुत्तम निकाल लीजिए। देखिए लघुत्तम निकलेगा कैसे, 12 और 20 कैसे भाग लगेगा, 2 से लगा दीजिए, 2 6 12, 2 से 10, 2 से 3, 2 से 5 अब तो नहीं लगेगा, 5 3 15, 15 2 30 और 30 2 60, तो यहाँ पर लिख दीजिए 60। 12 से 60 में भाग दीजिए, 12 5 60, 5 1 5, 20 3 60, 3 1 3, यानी कि 1/v बराबर कितना, 5 में 3 गया 2/60। इसको काट भी सकते हैं, 1/y कितना हो जाएगा 30, यानी कि 1/v बराबर 1/30, 1 से 1 खत्म, यानी कि v के वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यही निकालना था, प्रतिबिंब दूरी एवं आवर्धन भी निकलना है, एम के वैल्यू कितना होगा से निकलना है। चलिए देखिए एम हम लोग जानते हैं लेंस में एम क्या होता है, एम बराबर वी वाई यू, वही दर्पण में हो जाता है माइनस वी वाई यू, तो एम बराबर वी के वैल्यू कितना निकला 30, तो 30 लिख दीजिए। अब बट्टा यू के वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 20, तो माइनस 20 लिख दीजिए। 0 0 खत्म, 3/2 का मतलब कितना हो गया 3 का आधा, 3 का आधा कितना होता है डेढ़, माइनस लगा हुआ माइनस 1.5 सेंटीमीटर हो गया। उतार लीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करें एक उत्तल लेंस, जिनकी क्षमता प्लस 6 डायोप्टर है को, चाहे इसको हटा दीजिए, है को प्लस 6 डायोप्टर को
एक ऐसा अवतल लेंस जिनकी क्षमता -3 डायोप्टर है के संपर्क में रखा जाता है। तो संयोजन की कुल क्षमता तथा कुल फोकस दूरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा एक उत्तल लेंस जिनकी क्षमता +6 डायोप्टर प्लस इसलिए लगा है क्योंकि उत्तल लेंस में इसकी क्षमता क्या होती है प्लस और अवतल लेंस में माइनस होती है। एक उत्तल लेंस जिनकी क्षमता कितना दिया हुआ है +6 डायोप्टर को एक ऐसा अवतल लेंस जिनकी क्षमता -3 डायोप्टर है के संपर्क में रखा जाता है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस है। तो कह रहा है इसकी संयोजन की कुल क्षमता यानी कि रखने के बाद उसकी क्षमता क्या होगी दोनों को जब सटाएंगे तब, और कुल फोकस दूरी क्या होगी से बताना। पहले दिया हुआ है से देख लीजिए, दिया क्योंकि दो क्षमता है। यहाँ मान लीजिए कि पहला P1 बराबर +6 डायोप्टर हो गया, कोई एक ऐसा अवतल लेंस जिनकी क्षमता -3 डायोप्टर दिया हुआ, तो P2 इसको मान लीजिए P2 बराबर -3 डायोप्टर पूछ रहा है के संपर्क में रखा जाता है तो इसके संयोजन की कुल क्षमता क्या होगी P बराबर हुआ, यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है P1 जोड़ P2, तो P बराबर कितना हो जाएगा P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 और P2 कितना है -3, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 3 डायोप्टर। फिर पूछा है कुल फोकस दूरी, यानी कि कुल फोकस दूरी निकालना है, यानी कि इसी से निकाल सकते हैं या अलग अलग भी करके निकाल सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा सिंपल, 3 में कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा, 3 में कितना से गुना करेंगे 100, तो 100/3 कितना होगा फोकस दूरी, या इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग करने में ज़्यादा समय लगेगा, फोकस दूरी कितना हो जाएगा कहता 3 हो गया 3 डायोप्टर, 3 में कितना से गुना करेंगे 100, तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि 100 होगा, तो 100/3 से 3 में कितना से गुना करेंगे कि 100 पुराना है, तो 100/3 से गुना करेंगे 100 आ गया, तो 100/3 सेंटीमीटर, यानी कि कुल फोकस दूरी 100/3 कितना हो जाएगा 3। या अगर कुल फोकस दूरी न पूछता अलग अलग पूछता तो देखिए क्या होता। सबसे पहले तो F1 निकालते, F1 बराबर कितना हो जाता, यानी कि पहला दिया हुआ है कितना 6 डायोप्टर, यानी कि 6 में कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा, तो बस उल्टा सोचिए F1 बराबर कितना हो जाएगा 100/6 सेंटीमीटर। बस F2 अलग अलग अगर फोकस दूरी पूछता तब, लेकिन यहाँ पूछा हुआ कुल फोकस दूरी क्या होगा F2 बराबर कितना हो जाएगा, तो F2 देखिए -3 डायोप्टर दिया हुआ है, -3 में कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा, तो बस जवाब आएगा -100/3 सेंटीमीटर अलग हो गया। अब इसको एक जगह जोड़ेंगे तो बस वही रिजल्ट आएगा। हम लोग जानते हैं कि 1/F बराबर क्या होगा 1/F1 और जोर 1/F2 कहता, ये तो आगे पढ़ना है, यहाँ देख लीजिए काहे कैसा हो रहा है। हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है 1/F इतना होता है, हम तो यहाँ P1 है तो P1 बराबर कितना लिख सकते हैं, P1 के निकालने हैं रिजल्ट तो कितना है F1, तो इसको लिख सकते हैं 1/F1।
और इसको देखिए तब पी टू बराबर कितना लिख सकते हैं, एक बटा एफ टू इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, पी वन जोर पी टू इतना होता है, और पी के वैल्यू हम लोग जानते हैं वन बाई एफ होता है। यहाँ पर देख लीजिए वन बाई एफ, पी वन कितना हो जाएगा वन बाई एफ वन और जोर वन बाई एफ टू। इसमें मान रखिए एफ का वैल्यू इससे भी उतना ही आएगा, कितना आया था सौ बाई थ्री, इससे भी इतना ही आ जाएगा। इसमें मान पुट कर दीजिए वन बाई एफ बराबर वन बाई एफ वन, एफ वन के वैल्यू कितना है सौ बाई सिक्स, यानी कि सिक्स ऊपर चला जाएगा सिक्स बाई सौ प्लस वन बाई एफ टू, थ्री ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा थ्री बाई माइनस सौ, यानी कि यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। बस इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उतना ही आएगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा थोड़ा। वन बाई एफ बराबर कितना हो जाएगा दोनों के लघुत्तम सौ, सौ सिक्स माइनस कितना हो जाएगा थ्री, वन बाई एफ बराबर छः में से थ्री जाएगा कितना हो जाएगा थ्री बाई सौ, यानी कि हम लोग को तो निकालना था एफ का वैल्यू, यहाँ कितना आया वन बाई एफ, तिरछा तिरछा गुना कर देंगे, इससे इसमें गुना ऐसे इसमें गुना करेंगे तो थ्री एफ बराबर कितना सौ, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा सौ बाई थ्री। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वह सबसे अच्छा आसान है, मिटा दे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल से आप एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग।